दोस्तों, एफिल टावर के बारे में तो आपने ज़रूर देखा या सुना होगा। एफिल टावर दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक है और इसे देखने के लिए लाखों टूरिस्ट दूर दूर मुल्कों से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। लेकिन एफिल टावर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद न जानते हों। एफिल टावर को सन 1989 में बनाया गया था, लेकिन यह सिर्फ मेले में जाने के तौर पर बनाया गया था। साथ ही इसे तोड़ने की भी प्लानिंग बनी हुई थी, लेकिन इसकी खूबसूरती और मकबूलियत और इसे रेडियो एंटीना बनाने की प्लानिंग को पूरा करने के लिए इसे तोड़ने से मना कर दिया गया। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम जब दुनिया का सबसे वॉयलेंट आदमी हिटलर पेरिस पहुंचा, तो एफिल टावर की लिफ्ट की केबल काट दी गई ताकि हिटलर एफिल टावर के ऊपर न जा सके। और एफिल टावर पेरिस का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी है और इसकी ऊंचाई लगभग 81 मंजिले वाले बिल्डिंग के बराबर है। और अगर कोई आदमी इसके सबसे ऊपरी वाले मंजिल पर जाना चाहता है तो करीबन 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती और आप एफिल टावर की चोटी को 90 किलोमीटर दूर से बिल्कुल साफ देख सकते हैं। दोस्तों, एफिल टावर का नाम गुस्तावे एफिल के नाम पर रखा गया है, जो कि एक इंजीनियर थे और उनकी कंपनी ने एफिल टावर को डिजाइन किया और इसको बनाया था। दोस्तों, एफिल टावर के कुछ नियम भी हैं जो कि कोई भी आदमी रात के वक्त इसकी फोटो नहीं खींच सकते, क्योंकि एफिल टावर की फोटो खींचना रात में गैर कानूनी माना जाता है। अगर फिर भी कोई शख्स अगर फोटो लेना चाहता है तो वहाँ उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। दरअसल एफिल टावर पर लगी लाइट के डिजाइन पर वहाँ के कलाकारों का कॉपीराइट है और यूरोप की कॉपीराइट कानून के मुताबिक कॉपीराइट चीजों की फोटो लेना कॉपीराइट नियम के खिलाफ है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे रात के समय फोटो नहीं ली जाती। साल 1902 में बिजली के झटके एफिल टावर के ऊपरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद इसके ऊपरी हिस्से को दोबारा बनाया गया था। आपको बता दें कि एफिल टावर को बनाने के लिए 300 वर्कर्स की जरूरत पड़ी थी और इसके बनाने में खास तरह के 18,038 लोहे के टुकड़े को 2.5 मिलियन किलो का इस्तेमाल किया गया था। एफिल टावर को बनाने में 2 साल 2 महीने 5 दिन का समय लगा था। इसका काम 1887 से 1889 तक कंप्लीट हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल सर्दियों में एफिल टावर का कुछ हिस्सा 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एफिल टावर मेटल का बना हुआ है और मेटल गर्मियों में फैलता है और सर्दियों में सिकुड़ जाता है। दुनिया में एफिल टावर की नकल की गई कई सारी टावर्स मौजूद हैं, जिसमें से एक चाइना के थीम पार्क में और एक लास वेगास में बनी हुई है। जिस तरह ताजमहल को हिंदुस्तान की शान कहा जाता है, उसी तरह फ्रांस में एफिल टावर को फ्रांस की शान कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में कई जगह लोग घूमने जाया करते हैं, लेकिन हर साल सबसे ज्यादा घूमने के लिए एफिल टावर को ही देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। और 2015 के सर्वे में बताया गया था कि दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट लगभग 6.91 मिलियन लोग हर साल इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, एफिल टावर को हर 7 साल बाद पेंट किया जाता है। इन पेंट का वजन लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है, जो कि 60 टन के बराबर है। और एफिल टावर में इस्तेमाल की जाने वाली कुल धातुओं का वजन लगभग 700 टन के करीब है। दोस्तों, एफिल टावर में घूमने जाने वाले लोगों के लिए 3 लेवल बनाए हुए हैं, जिसमें पहले और दूसरे पर रेस्टोरेंट और शॉपिंग की सुविधा दी गई है। और टावर का सबसे ऊपरी लेवल सतह से 276 मीटर ऊंचा है और साथ ही इसके छत को इतना अच्छा बनाया गया है, इतना खूबसूरत बनाया गया है, देखते ही इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।